साथियों नमस्ते। ज्ञानसुधा यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की मैं बात कर रहा हूं, अनुस्वार और अनुनासिक। ये बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन ये छोटा सा अंतर देवनागरी लिपि में न केवल अर्थ भेद अपितु शब्दों का जो लालित्य है उसको भी समाप्त कर देता है। और परीक्षा की दृष्टि से यह जो विषय है यह बहु उपयोगी है। बहुत दिनों से विद्यार्थी कह रहे थे कि सर अनुस्वार और अनुनासिक पर बात करें, और मुझे लगा कि आज इस विषय को, क्योंकि हमारा शब्द शुद्धि का प्रकरण चल रहा है और इसी क्रम में मैं आज अनुस्वार और अनुनासिक की बात आप लोगों से करने वाला हूं। साथियों तीन चीजें हैं, आप इन तीनों चीजों को एक बार ध्यान से देखें। एक है अनुस्वार, एक है अनुनासिक और एक है नासिक के। पहली बात तो यह ध्यान रखें कि जब हम हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की बात करते हैं तब 46 मानक वर्ण है और कुल वर्ण 52 है। उन 46 में से जैसा कि आप लोग जानते हो कि 33 व्यंजन हैं, 11 स्वर हैं और 2 वर्ण है जिसको हम अयोगवाह कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कुछ पुस्तकों में अयोगवाह वर्णों की संख्या, देखिए वर्णों के 3 भेद हैं और वर्णों की संख्या मानक 46 है और कुल वर्ण 52 है। यहां पर मैंने 5 प्रश्न एक लाइन में पूरे किए हैं। इन 46 वर्णों में 2 वर्ण जो हैं उन वर्णों को हम अयोगवाह कहते हैं, और अयोगवाह कहने के पीछे एकमात्र तर्क जो है वो ये है कि हमारे एक तो अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। अनुस्वार का मतलब आप जानते हैं, ये शिरोरेखा के ऊपर केवल बिंदु होता है, और ये विसर्ग, ये 2 वर्ण जो है देवनागरी लिपि में अयोगवाह के नाम से सम्मिलित हैं। विसर्ग की बात आज हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहां पर यह होती है, और मैं इस बात को बहुत बेबाक रूप से कहना चाहता हूं कि आजकल के लेखक भी इस विषय पर उदासीन है, वो बहुत ध्यान से इस पर साधना नहीं करते। साथियों गलती होना मनुष्य का स्वभाव है, कहीं कहीं पर गलतियां हो सकती हैं, लेकिन यदि सार्वभौम रूप से हम गलतियां करने लगे तो आने वाली पीढ़ी में, सदैव ये कहता हूं, मेरी चिंता सदैव यही होती है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुस्वार और अनुनासिक और नासिक के, मैं आपसे इतनी आश्वस्ति देता हूं किस कक्षा के बाद में आपके जिंदगी में अनुस्वार अनुनासिक और नासिक के संबंधी जितने भी शंकाएं हैं उन शंकाओं का मैं यहां पर समाधान करने वाला हूं। आप अंत तक इस व्याख्यान के साथ जुड़े रहें। साथियों अनुस्वार एक बार रीत परीक्षा में पूछा गया, अनुस्वार का अर्थ क्या है? देखिए अनुस्वार जो है उसमें अनु उपसर्ग है और स्वार शब्द है। हम जानते हैं कि स्वर शब्द होता है और स्वर से स्वार शब्द बनता है, और अनु का अर्थ होता है पीछे, अर्थात ऐसी ध्वनियां जो स्वार अर्थात स्वर के पीछे प्रयुक्त होती है। अनु उपसर्ग किसी भी शब्द के साथ जुड़ता है तो उसका अर्थ होता है पीछे, जैसे अनुचर पीछे चलने वाला, अनुज पीछे जन्म लेने वाला, इसी प्रकार अनुस्वार स्वर के पीछे प्रयुक्त ध्वनियां जो शिरोरेखा के ऊपर बिंदु रूप में लिखी जाती है हिंदी वर्णमाला में, उसे हम अनुस्वार कहते हैं, और अनुस्वार अयोगवाह वर्ण की श्रेणी में सम्मिलित है। यह पहली बात। अनुनासिक, अब देखो पहली ये हमें ध्यान रखें, अनु पीछे नासिक अर्थात नासिका के पीछे, अर्थात मुख और नासिका ऐसी ध्वनि जो मुख सहित नासिका, मुख और नासिका दोनों से उच्चरित हो वह अनुनासिक है, जबकि केवल नासिका से उच्चरित जो ध्वनि है वह अनुस्वार है। यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमें यह ध्यान यह रखना चाहिए कि अनुस्वार का उच्चारण स्थल नासिका है, जबकि अनुनासिक का उच्चारण स्थल मुख और नासिका है। महर्षि पाणिनि ने संज्ञा प्रकरण में कहा, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, अर्थात मुख सहित नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण जो हैं वह अनुनासिक है।
ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अनुस्वार और अनुनासिक में जो डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, मैंने अभी अभी कक्षा के आरंभ में ये कहा कि हिंदी देवनागरी वर्णमाला में वर्णों के तीन भेद हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। और अनुस्वार की गणना हम अयोगवाह में करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अनुस्वार देवनागरी लिपि में एक स्वतंत्र वर्ण है, अनुस्वार देवनागरी लिपि में एक स्वतंत्र वर्ण है, और स्वतंत्र वर्ण होने के कारण इसकी एक मात्रा गिनी जाती है। जबकि अनुनासिक स्वतंत्र वर्ण नहीं है, पृथक वर्ण नहीं है, स्वरों की प्रकृति जो है, स्वरों की जो प्रकृति है वह दो प्रकार की होती है। आगे मैं विस्तार से बात करूंगा। आप लोगों ने देखा होगा एक स्वर तो ऐसा होता है जिसको हम अ लिखते हैं, और एक ऐसा होता है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु, जिसको चंदा मामा हम कहा करते थे, इस प्रकार से लेखन होता है। तो ये जो ये वाला जो अ है इसको हम बोलते हैं निरनुनासिक या फिर अननुनासिक, और ये वाला जो है ये सानुनासिक अथवा अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। वर्णमाला में मैंने इसको बड़ा विस्तार से पढ़ाया, आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अनुनासिक पृथक वर्ण नहीं है। मेरे साथ साथ लिख लें, हिंदी भाषा में अनुनासिक पृथक वर्ण नहीं है, ये स्वरों की प्रकृति होती है। एक स्वर को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, इसके उच्चारण में भी कोई कालकृत भेद नहीं होता। जबकि अनुस्वार एक पृथक ध्वनि है, स्वतंत्र वर्ण है, और अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे देखिए, अब हमें दूसरा कुछ एक महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखनी चाहिए कि अनुस्वार की संख्या पांच होती है, अनुस्वारों की संख्या पांच होती है। साथियों, आप ऐसे समझो कि हमारे यहां पर पांच वर्ग है ना, व्यंजन वर्णों की जब हम बात करते हैं तो पांच वर्ग हम जानते हैं, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और क वर्ग, क च ट त प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन पांचों वर्गों का जो पंचम वर्ण है जिसको हम क्या बोलते हैं, क ख ग घ ङ, एक तो यहां पर यह हमें सुधार कर लेना चाहिए, पूरे राजस्थान में विशेष करके और बल्कि पूरे भारतवर्ष में क ख ग घ ड बोला जाता है, यह ड नहीं होता है, क ख ग घ ङ होता है। ड जो है, देखो तीन वर्ण में आपके सामने लिख रहा हूं, थोड़ा मैंने आपके यहां पर लिखा इसलिए है क्योंकि ये आज बहुत महत्वपूर्ण चीजें आगे हम करने वाले हैं। साथियों, ये ड है, इसके नीचे यहां पर लग जाएगा तो ये ड बन जाएगा, और ये जो वर्ण है ये अंग है। जो अनुस्वार वाली बात है वो अंग है, ये ड जो है वो क वर्ग का सदस्य नहीं है, ये ट वर्ग का सदस्य है, ट ठ ड ढ ण और फिर आगे ड और ढ, जो ड के नीचे हम बिंदु लगाते हैं ये ड है, जबकि ड के पेट के आगे जो बिंदु लगता है ये अंग है, इसका उच्चारण अंग होता है, जैसे वांगमय, कंगन, कंग, कंग। तो यहां पर देखो ये पंचम वर्ण है, मैं इसको हलन करके लिख रहा हूं अंग, फिर च च ज य, फिर ट ठ ड ढ ण, फिर त थ द ध न और प प ब भ म। ये पांचों वर्ण आपको ये समझना है, जो हमारे पांच वर्ग हैं उन पांचों वर्गों के ये पंचम वर्ण है, और पंचम वर्ण जब बिंदु रूप में इस शिरो बिंदु के रूप में ऐसे लिखे जाते हैं तब इसका नाम अनुस्वार होता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और मैंने अभी कहा कि स्वर के पीछे आने वाली ध्वनि, क्योंकि ये हमेशा हमेशा ही बिंदु जो है कभी भी स्वर रहित वर्ण के ऊपर नहीं आता, ये एक और महत्वपूर्ण बात है जो आप लोगों को समझनी चाहिए। तो यहां पर ये पांच वर्ण है जो अनुस्वार है, जबकि अनुनासिक की संख्या 11 होती है। अनुनासिक की जो संख्या है वो 11 होती है। कैसे 11 होती है, हम जानते हैं कि हमारे स्वर होते हैं अ आ, ये जो इस तरह से हम ई ई और ऊ ऊ री ए आई ओ और औ, ये जो 11 स्वर हैं इसको जब मैं इस रूप में लिखता हूं, जिस रूप में अभी आप लिखे हुए देख रहे हैं, तो ये स्वर जो है अनुनासिक नहीं है, ये अननुनासिक, जिसे हम निरनुनासिक कहते हैं ये है।
लेकिन इस अ को जब मैं ऊपर चंद्र बिंदु लगा देता हूं अ आ ई ई यहां पर ऊ ऊ रिंग ए आई ओ औ। अब यहां पर देखो ये अनुनासिक जो है इसका चिन्ह जैसा कि हम जानते हैं ऐसा वाला चिन्ह जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, लेकिन ये अनुनासिक कई बार केवल बिंदु के रूप में भी लिखा जाता है। कहां पर लिखा जाता है? जब जिस स्वर के ऊपर वर्तनी आ गई, जैसे अ आ ई ई, ये ई के ऊपर ये जो वर्तनी आ गई, वर्तनी आ गई तो ये बिंदु है, लेकिन वास्तव में इसका नाम अनुनासिक है। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। जैसे ऊ ऊ री ए, ए के ऊपर ये चंद्र बिंदु आप देख रहे हो, इसी प्रकार ए आई आई पर ये जो बिंदु देख रहे हो ये बिंदु अनुस्वार नहीं है, ये अनुनासिक है। और इसका नियम आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी स्वर जिसके शिरोरेखा से ऊपर जो वर्तनी जिसे आप मात्रा कहते हैं, वस्तुतः वह वर्तनी है, यदि वर्तनी आ जाती है तो हम अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार अर्थात चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं, लेकिन वस्तुतः वह ध्वनि जो है वह अनुनासिक ही कहलाती है, अनुस्वार नहीं। तो साथियों ये हमें ध्यान रखना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुस्वार और अनुनासिक का सही ज्ञान यदि हमें नहीं है तो शब्दों में अर्थ भेद हो जाता है। तो हमें ऐसे ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैंने एक शब्द लिखा हंस और एक लिखा हंस, आप सभी जानते हैं यह बड़ा लोकप्रिय उदाहरण है, हर शिक्षक इसे देता है। ये वाला जो हंस है जिस पर मैंने अनुस्वार का प्रयोग किया ये पक्षी विशेष है, और ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो सकती है, जातिवाचक भी हो सकती है, वह संज्ञा का बात अलग है, लेकिन ये हंस जो है ये पक्षी का वाचक है, जबकि ये वाला जो हंस जिसके ऊपर मैंने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है ये क्रिया है। तो एक क्रिया हो गया और एक संज्ञा हो गई। इसी प्रकार से कई बार जैसे एक शब्द है अंगना और एक शब्द है अंगना, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है आप बताइए। जो लोग यह कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता बिंदु लगाओ या चंद्र बिंदु लगाओ, उन लोगों से आप ये तर्क कीजिएगा कि भाई अंगना और अंगना में क्या अंतर है। तो साथियों अंगना जो है ये अंगना स्त्री है, अंगना ललना जिसको बोलते हैं स्त्री है, लेकिन ये अंगना जो है जो जिसे आप आंगन बोलते हैं, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है, तो ये अंगना आंगन है जबकि ये अंगना स्त्री है। इसका उच्चारण है अंगना अंगना, थोड़ा दीर्घ उच्चारण होता है अंगना, और ये अंगना है अंगना अंगना, ये इस पे रुका रुका नहीं जाता, ये अंगना, क्योंकि अनुस्वार एक पृथक वर्ण है, इसकी पृथक ध्वनि है जो नाक से बोली जाती है, जबकि अनुनासिक में केवल और केवल हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मुख और नासिका दोनों एक्टिव हो जाती है, तो ऐसे हमें ध्यान रखना चाहिए। यह अंगना है यह अंगना, जैसे ये हंस हंस, जबकि हंस हंस और हंस, तो दोनों में उच्चारण का स्पष्ट अंतर है। साथियों कई बार मैं देखता हूं कि पीएचडी किए हुए विद्यार्थी भी छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते, न और ही कर देते हैं, जबकि होता अनुनासिक का चिन्ह आएगा। यह भी ध्यान रखें यह तद्भव शब्द है, यह अनुनासिक का प्रयोग यहां पर होना चाहिए। तो नहीं पर बिंदी हमने हजारों बार देखी लेकिन हमने अपने पन से नहीं देखी, अपनत्व से नहीं देखी, नहीं लगाते हैं। तो नहीं शब्द पर यह जो है अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त हो रहा है लेकिन वास्तव में यह अनुनासिक है, ये तो ना और ही हो जाएगा, नहीं तो नहीं। इसी प्रकार से देखो एक जैसे मैंने कहा कि कही, अब कही और कहीं देखो दोनों में कितना अंतर हो गया। मैंने कहा कि उसने ये बात कही तो ये क्रिया है भूतकाल की, और आप कहीं भी जाओ ये स्थानवाचक अव्यय है, ये क्रिया है, जबकि ये वाला जो है कहीं जो है वो अव्यय है। एक बिंदी से कितना अंतर पड़ जाता है यह बात आपको ऐसे जान लेनी चाहिए कि जैसे मैंने कहा एक मैंने एक एक लिखा मैंने है और एक लिखा है,
ये जो है जो है ये जैसा कि आप जानते हैं एक वचन में प्रयुक्त होगा, जबकि ये है जो है ये बहुवचन में प्रयुक्त होगा। लड़का जा रहा है और लड़के जा रहे हैं। तो हमें ऐसे ध्यान रखना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें जैसे मैंने जो है एक शब्द बोल दिया वही, जैसे एक तो बोला वही और एक बोला वही, कितना अंतर हो गया। ये वही सार्वनामिक विशेषण है, ये वही बालक है जिसे मैंने जयपुर में देखा था और वह पुस्तक वही रखी हुई है, तो एक बिंदु से अर्थ भेद हो गया, शब्द की कोटि बदल गई। कितनी सुंदर भाषा है हमारी ये, लेकिन इसके सुंदरता को इसके सौंदर्य को हमें रक्षित करना चाहिए। बहुत सारे लोग देखो, बहुत एक जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब शुभकामनाएं देते हैं तो शुभ कामनाएं, कुछ लोग तो शुभकामनाएं ऐसे लिख देते हैं और कुछ लोग जो है शुभकामनाएं ऐसे लिखते हैं, ये दोनों गलत है। साथियों आपको ध्यान रखना चाहिए, आप चाहे शुभकामना, ये नहीं है, ये शुभकामना ऐ ऐ नहीं है, ए है बहुवचन का वाचक, तो ये शुद्ध क्या होगा, शुभ कामनाएं। अब आप कहोगे क्या फर्क पड़ता है सर, हम ये लगाएं या ये लगाएं, बिल्कुल फर्क पड़ता है। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, ये जितने भी हमने कहा नारियां, हमने बहुवचन बनाया और नारियां लिख दिया, गलत है। ये कैसा होना चाहिए, नारियां, वधुएं, ये ए ए ए, ये कुछ लोग तो ऐ लिख देते हैं, वधु ऐ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को यदि आपने आज सुधार लिया तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जहां पर अनुस्वार अनुनासिक नहीं आता, जैसे दुनिया शब्द होता है दुनिया, हम बोलते हैं दुनिया, इसी प्रकार शब्द होता है नींबू, हम बोलते हैं नींबू, जहां पर नहीं होता है वहां पर हम लगा देते हैं, और जहां पर मैं उसे पूछ कर बताऊंगा। देखो एक तो होता है पूछ कर और एक पूछ कर, तो पूछ कर तो कोई शब्द नहीं होगा, तुम पूछोगे कैसे, हां पहुंचना जरूर होता है पहुंचना, लेकिन पूछ कर बताऊंगा तू झूठ बोल रहा है नहीं तू झूठ बोल रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं सदैव आपको कहता हूं कि विद्यार्थी को अपने संगात में, देखो हम चाहे कितने भी समस्याओं में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों, इस संसार में कोई जीव ऐसा नहीं है, कोई जीवन ऐसा नहीं है जो टूटा हुआ नहीं हो, जिसके समस्याएं नहीं हो, जिसके आसपास सारा सब कुछ जो है आनंदित ही आनंदित करने वाला हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साहसी व्यक्ति वह होता है जो इन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अपने अच्छे गुणों को कभी नहीं छोड़ता। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं और ये आदेश भी देता हूं, मेरा जो युवा वर्ग है वो कमजोर ना बने। आप लोग इन चीजों को यदि देखोगे तो आपको ये छोटी छोटी चीजें, अरे मैंने कहा कि झूठ बोल रहा है, अब झूठ की जगह झूठ शब्द होता है झूठ, ठ ट नहीं, एक तो झूठ एक झूठ, तो हमें जहां पर नहीं लिखना वहां पर हम लिख देते हैं, जहां पर लिखना होता है वहां पर नहीं लिखते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखनी चाहिए। लड़कियां हैं, नदियां, ये नदियां लिखोगे गलत है, नदियां लड़कियां, बहुएं वधुएं, तो हमें इस प्रकार की पत्नियां, पत्नी में अकेले में तो दीर्घ होगा, लेकिन जब पत्नियां बहुवचन बनाएंगे तो पत्नियां ये नहीं करो पत्नियां। तो भाई अनुस्वार और अनुनासिक जिसे हम बिंदु और चंद्र बिंदु कहते हैं उससे कितना अर्थ भेद हो गया। वर्तनियां हैं, अशुद्धियां हैं, अशुद्धियों को भी हम ऐसे लिख देते हैं कि इतनी अशुद्धियां, अरे इसको तो ठीक लिख दो अशुद्धियां, ये तो गलत है, शुद्ध क्या होगा अशुद्धियां। ये चंदा मामा, मैंने एक दिन लिखा था कि चंदा मामा भी हमारे शब्दों की शान हुआ करते थे, हमारे शब्दों की शोभा को वर्धित किया करते थे, न जाने चंदा मामा कहां चला गया, तू लौट के आ चंदा मामा, तेरी बहुत याद आती है। ये कितनी वैज्ञानिकता इसमें थी, छोटी सी चीज थी लेकिन हमने इसको विस्मृत कर दिया। चलिए आइए साथियों, मैं कक्षा के अंत में कुछ आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आज कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय के माध्यम से जो मुझे प्राप्त हुई, कुछ चीजें जो मानक है
उन बातों की, उन तथ्यों की आज हम बात करते हैं। चलिए आइए, पहला बात मैंने लिखा है, पहले तो ये ध्यान रखें, अनुस्वार बिंदु होता है, अनुनासिक तंत्र बिंदु होता है, ये व्यक्तिगत रुचि का विषय नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यह व्यक्तिगत रुचि का विषय नहीं है कि मेरा मूड है तो मैं अनुस्वार लिखूंगा और आज मूड है तो मैं चंद्र बिंदु लिखूंगा। मैंने आपको इसकी संकल्पना के विषय में इस पे बहुत अधिक बोला जा सकता है, लेकिन जो जो जरूरी चीजें थी उसके बारे में मैंने आपको बात बताई। आइए बात करते हैं पांचों वर्गों के पंचम वर्ण ङ। पहली बात तो मैंने आपको बता दिया है, ये ड है, ये ड है और ये ङ है, और क ख ग घ ड नहीं बोले। आज के बाद में जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी विद्यार्थी, जितने भी प्रतियोगी और अपितु शिक्षक साथी भी सुन रहे हैं, तो वो बोलते हैं, कई लोग अपवाद है इस चीज के कि क ख ग घ ड, ये ड नहीं बोले, क ख ग घ ङ। वर्णों का उच्चारण का अपना एक नाद है, अपना एक सौंदर्य है, अपने उच्चारण की एक प्रक्रिया है, एक अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण है, क ख घ घ ङ, च छ झ झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। इसके भी आगे आजकल मैं देखता हूं कि जो कॉन्वेंट एजुकेटेड या कॉन्वेंट एजुकेशन के माध्यम से जो संचालित होने वाली जो विद्यालय है, उन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी और शिक्षक केखे गेगेणे चेचे जेजेणे सब ण ण ण बोलते हैं, तो इसका भी हमें शोधन करना चाहिए। ये आज हम उच्चारण जो भ्रष्ट कर रहे हैं, देखिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए। मैं ग्रामीण क्षेत्र से, कृषक परिवार से आता हूं, तो कई जगह मेरा भी जो मातृभाषा है वो मुझे उस प्रकार के शब्दों को उच्चरित स्वयं में करा देती है। जब मैं चेतन होकर के बोलता हूं तो संभव है कि गलतियां कम होती है, लेकिन फिर भी मुझे ये ध्यान तो होना चाहिए कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो इसकी आदत को आपको सुधारना है। तो साथियों, पांचों वर्गों के पंचम वर्ण, ये अंग है वांगमय कंगन, ये य है च छ झ झ य, ये ण है, ये न हर म है, को जब बिंदु रूप में लिखा जाए तो ही अनुस्वार कहा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जब ये आधे रूप में होते हैं अपने ऐसे, तो इनको बिंदु रूप में जब हम लिख देते हैं तभी इनका नाम अनुस्वार होता है, अन्यथा ये नासिक के होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि मकान कैसा, मकान में देखो म और न इसी रूप में आए हैं, ये अनुस्वार नहीं है, अनुनासिक भी नहीं है, ये नासिक के हैं। कई बार परीक्षक आपसे ये पूछ लेता है कि निम्न में से किस में नासिक की ध्वनि का प्रयोग हुआ है, इसी प्रकार मकान शब्द लिखा, इसी प्रकार मैंने एक शब्द लिखा नगर शब्द लिखा, तो नगर में आया हुआ जो न है जो पंचम वर्ण है, लेकिन ये नासिक के है, ये न हम बोलूंगा तो मैं न, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो है ये नासिक के हैं, ये अनुस्वार नहीं है। ये अनुस्वार का रूप तभी लेते हैं जब पंचम वर्णों को बिंदु रूप में लिखा जाए, अन्यथा ये नासिक के होते हैं। ये एक बात हो गई, मैं इसको मिटा रहा हूं पहली बात को, आप इसको नोट कर लें। चलिए अब इसका उदाहरण मैंने दिया है कि कंगन चंचल घंटी दंत और पंच। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें सीखनी चाहिए, देखिए कंगन को कई बार हमें पूछ लिया जाता है कि अनुस्वार का लेखन दूसरी प्रकार से भी हो सकता है, कंगन को कंगन लिखा जाता है, इसी प्रकार चंचल है, चंचल में ये च फिर आगे च आया तो ये य हो जाएगा। ये संधि नियमों में मैं भली भांति बता चुका हूं, घंटी को अनेक लोग ऐसे लिखते हैं, ये गलत है, ट की पीठ पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण बैठेगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति जिसके साथ संगत करने के योग्य है वह उसी के साथ संगत करता है। कदाचित दुर्भाग्य से यदि आपके जीवन में कोई ऐसी असंगति हो भी जाए तो वो जल्दी ही आपसे चली जाती है। तो ये ध्यान रखो कि ट की पीठ पर टवर के साथ तो ण ही आएगा, टवर के साथ और आप घंटी लिखोगे गलत है। जैसे मैंने कंठ लिखा तो कंठ इस तरह से लिखा, अब ये इसको मैं दूसरी तरह से कंठ लिख सकता हूं, लेकिन साथियों मानक निदेशालय हिंदी क्रियान्वयन निदेशालय ने एक जो नया संशोधन किया इसमें वो आपके सामने ये रहा कि संयुक्त व्यंजन के रूप में जहां पंचम वर्ण के बाद सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो एक रूपता के लिए अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। अब एक रूपता कैसे, हमारी समस्या क्या होती है कि हिंदी ने, हिंदी मानक निदेशालय ने इसे सरल बनाने के लिए
क्योंकि विद्यार्थी चंचल को ऐसे लिख देते हैं, चंचल को ऐसे लिख देते हैं, तो यहां पर एक रूपता रहे, इसलिए पंचम वर्ण जो मैंने पांच पंचम वर्ण बनाए उनमें एक रूपता के लिए, एक रूपता के लिए अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। आजकल पंकज जो है ये मानक नहीं है, ये भी आप ध्यान रखो, पंकज को ऐसे ही लिखना है, पंकज को ऐसे ही लिखना है। इसी प्रकार चंचल ये मानक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, चंचल ये है। और इसका कारण सीधा सीधा ये रहा कि एक रूपता आ जाए, एक रूपता के अभाव में ये गलतियां जो हो रही थी, ये कितना ठीक हुआ कितना गलत हुआ इस विषय पे मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आप क्योंकि मैं मानक हिंदी की बात कर रहा हूं तो मानक हिंदी में आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर देखो जैसे पंकज है, पंकज को इसी तरह से लिखें, गंगा को आप देखो गंगा ऐसा भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये मानक नहीं रहा, गंगा को इस तरह से लिखें अनुस्वार युक्त, क्योंकि एक रूपता लानी जरूरी है। विद्यार्थी को ये समझ नहीं आता कि ये ङ आएगा कि य आएगा कि ण आएगा कि न आएगा कि म आएगा, और इसलिए देवनागरी सुधार आयोग ने ये जो संशोधन इसमें किए ये हमारे मानक है परीक्षाओं की दृष्टि से, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पंकज है, गंगा है, मंजूषा, अब मंजूषा वास्तव में तो ऐसे मंजूषा इस तरह से लिखना चाहिए, ये य क्योंकि आगे ज आ रहा है और ज जो है वो चवर का सदस्य है, इसलिए मंजूषा मंजूषा, लेकिन यहां पर इसी तरह से लिखेंगे, कंठ है, संत है, संत को आप ऐसे लिख रहे हो ये गलत नहीं है, लेकिन ये मानक जो है आजकल क्या कर दिया हमने, अनुस्वार का प्रयोग जो है वह सार्वभौम है, क्योंकि एक रूपता आ जाएगी, यहां पर किसी को कोई समस्या नहीं होगी। संध्या है, मंदिर है, संपादक है, संबंधित है इत्यादि, ये पहले नियम से जुड़ा हुआ नियम था, मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा कि जो पांच वर्ण, पांच वर्गों के जो पंचम वर्ण है जिसको मैंने ङ य ण न और म कहा, उसको एक रूपता के लिए हमें अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा मानक हो गया है, अब इसको जो है मान लिया गया है। हां एक बात ये भी ध्यान रखें कि यदि आपसे कोई परीक्षक जानबूझ करके ये पूछे कि इसकी वस्तुतः ध्वनि क्या है, जैसे मैंने कहा कि मंजूषा है, अब मंजूषा की वस्तुतः इस म को किस रूप में लिखना चाहिए अनुस्वार को, तो ये य लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि ज आ रहा है, ज किस वर्ग का सदस्य है, च वर्ग का सदस्य है, संधि में मैं इस बात को विस्तार से पढ़ा चुका हूं, इसलिए आपको कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो ये मंजूषा अब ये स्वीकृत है, ये अस्वीकृत है, ये अमानक है, जो मान लीजिए आप अब एक रूपता के लिए ऐसा कर दिया गया है। चलिए साथियों, लेकिन हां इनका बोध होना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देवनागरी लिपि की संसार में कोई भी शब्द जिस पर आपको अनुस्वार दिखे और अनुस्वार युक्त पद का शब्द का संधि विच्छेद यदि आपसे पूछ लिया जाए तो दुनिया का कोई भी शब्द हो ये बिंदु जो है वो हमेशा ही म का रूप धारण करेगा। जैसे मैंने घंटी का आपसे संधि विच्छेद पूछ लिया तो आपको घम और टी ही करना है, भले ही घम का कोई अर्थ नहीं हो। जैसे संकट का पूछ लिया तो संकट में तो सम उपसर्ग है तो सम और कट ही करना है संधि विच्छेद। यदि मैंने चंचल का पूछ लिया तो चम और चल करना है, भले चम का कोई अर्थ नहीं हो, लेकिन अनुस्वार युक्त पद जिसे हम बिंदु कहते हैं, बिंदु वाले पदों की संधि पूछी जाए तो बिंदु हमेशा ही संधि की दशा में म का म प फ ब भ म का रूप धारण करता है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। चलिए साथियों, तो ये एक बात थी जिसके बारे में हमने बात कर ली। चलिए अब देखो, जैसे मैंने यहां पर लिखा है कंगन, चंचल, घंटी, दंत, पंच, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं जो आपके बहुत काम की है। साथियों, अनुस्वार युक्त पद, ये ध्यान रखिएगा कि यदि किसी पद पर, किसी शब्द पर अनुस्वार अर्थात बिंदु लगा हुआ है, ये उस रूप को ध्यान रखना है, जो वर्तनी वाला ऊपर वाला वो ध्यान रखना है। अनुस्वार और अनुनासिक, जिस पर चांद बिंदु, जिसको चंद्र बिंदु हम कह रहे हैं, ये लगा हुआ है तो अनुस्वार युक्त पद सदैव ही तत्सम शब्द होते हैं। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, हिंदी के किसी भी तद्भव शब्द में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। आप ठीक सुन रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं, हां ऐसा ही होता है। अनुस्वार जहां भी अनुस्वार वाली बिंदी का प्रयोग हो रहा है, जिसे हम बिंदु कह रहे हैं शिरोरेखा के ऊपर, वह शब्द तत्सम होते हैं, और अनुनासिक हमारी देवनागरी में सदैव तद्भव होंगे। आज तक इस
पूरी देवनागरी लिपि में करोड़ों शब्दों में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा हो और आपसे पूछे वो कैसा शब्द है। तो चंद्रबिंदु वाले शब्द सदैव ध्यान रखना, ये तद्भव शब्द होंगे, कभी भी तत्सम नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, तो यहां पर देखो, जैसे मैंने कहा दंत, तो दंत पर जो है अनुस्वार लगा हुआ है, दंत से मैं दांत बनाता हूं तो ये अनुनासिक हो गया, पंच से मैं पांच बनाता हूं तो ये अनुनासिक हो गया। मैंने आपसे पूछा कि हंस केवल ये क्या है, तो जो तत्सम है, और मैंने पूछा हंस क्या है तो ये तद्भव है। जैसे मैंने अंगना और अंगना के विषय में मैंने आपको बताया था, वैसे ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि अनुस्वार युक्त पद तत्सम होते हैं, अनुनासिक युक्त जिस पर चंद्रबिंदु कह रहे हैं वह तद्भव होते हैं। ऐसी जानकारियां आप यदि एक एक शब्द के साथ सीखोगे तो आपको ध्यान रखने, धीरे 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 आपका महात्म्य जो भाषिक महात्म्य जो है वो रक्षित होगा, संरक्षित होगा, समाज में भी इन चीजों को आप लेके जाएं, अपने साथियों को बताएं, अपने हम उम्र विद्यार्थी जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनको बताएं कि अनुस्वार युक्त पद तत्सम होते हैं। साथियों मैंने आपको बताया दंत से दांत, पंच से पांच, कोई भी शब्द, जैसे मैंने कहा मैंने कोई भी शब्द लिखा, मैंने लिखा आव कैसा शब्द है, आव तो आव अनुनासिक आ गया, पांव कैसा शब्द है तद्भव है, गांव कैसा शब्द है तद्भव शब्द है, चांद से चांद, चंद चंद्र चंद्र शब्द था, इस तरह से लिखा जाता है आजकल, चंद्र से चांद बन गया, ये क्या है तद्भव है, चंद्र क्या है तत्सम है। क्यों है? क्योंकि अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार युक्त शब्द संपदा तत्सम होती है, अनुनासिक युक्त शब्द संपदा देवनागरी में तद्भव होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। साथियों अनुस्वार जो है, मैं अभी बता चुका हूं आपको कि अनुस्वार जो है वो स्वर एवं व्यंजन से पृथक ध्वनि है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, कई बार राइट रॉन्ग स्टेटमेंट में आ जाती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि अनुस्वार क्या पृथक वर्ण है देवनागरी में, तो बिंदी पृथक वर्ण है क्योंकि इसका अर्थ होता है। मैंने अभी आपको कहा, मैंने कहा वही वही व्यक्ति है, और वही देखो केवल बिंदु लगने से ये जो है इन शब्दों का अर्थ बदल गया, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा कस, कस क्या है, कसना क्रिया, और मैंने कहा कंस, तो ये क्या हुआ, ये देखो इनका अर्थ भेद हुआ कि नहीं हुआ। तो ये अनुस्वार जो है वो पृथक ध्वनि है, पृथक वर्ण है, पृथक इसका अर्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा ये क्या बोलो, ससार ससार ससार, और मैंने बोला संसार संसार, तो ये ससार और संसार, इसी प्रकार से मैंने बोला सास और सांस, तो यहां पर देखो ये सास और ये सांस अर्थ भेद हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि अनुस्वार जो है वो स्वर एवं व्यंजन से पृथक ध्वनि है, जबकि अनुनासिकता स्वरों का ही गुण है। स्वरों का गुण इसलिए है कि अनुनासिक जो है देवनागरी लिपि में पृथक वर्ण नहीं है, ये आपको बात ध्यान रखना है। आगे चलता हूं, चलिए आगे की जो बात है, अनुस्वार का उच्चारण स्थल जो है वो केवल नासिका है, अनुस्वार नासिका से बोला जाता है। जैसे मैं बोलता हूं हस, हस बोलूंगा तो केवल मुख से होगा, और हं हं जब तक नासिका से नहीं होगा, जब तक हंग से नहीं बोल सकता, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अनुनासिक का जो विधिवत उच्चारण है वो मुख और नासिका दोनों है, ये ध्यान रखिएगा। अनुस्वार केवल नासिका है, अनुनासिक मुख और नासिका दोनों है। अनुनासिक युक्त शब्द तद्भव की श्रेणी में आते हैं, जबकि अनुस्वार युक्त शब्द जो है वो तत्सम शब्दों की श्रेणी में आते हैं, गिने जाते हैं, ये मैं बात बता चुका हूं। ये चलिए आगे की बात हम करते हैं। साथियों जैसे मैंने कहा चांद, हम जानते हैं कि चंद्र था, चंद्र से चांद बन गया, पंचम था पंच, पंच से पांच बन गया, दंत था दंत से दांत बन गया, ग्राम था गांव बन गया। यहां पर हंसना, हिंदी की जितने भी क्रियाएं हैं ध्यान रखिए, हंसना ऊंगना, ये जितने भी क्रियाएं जो हिंदी की क्रियाएं हैं सारी की सारी तद्भव, ये आप ध्यान रखो। तो ये जैसे मैंने चार पांच पांच दांत गांव, इसका चंद्र पंच दंत और ग्राम, ये तत्सम है ऊपर वाले, ये इसके तद्भव है। हंसना उंगुली, देखो हमारी संस्कृत में अंगुली 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 संस्कृत का है, तत्सम है, परंतु अंगुली जब है उंगली बन जाती है तो ये तद्भव हो जाता है, और उंगली को आप ऐसे नहीं लिखें, ये ध्यान, कुछ लोग तो उंगुली उंगुली इस प्रकार से भी प्रयोग करते हैं,
तो उंगली होता है, इसी प्रकार सांस वाला बता दिया। खूंटा, खूंटे को आप ऐसे नहीं रखें, खूंटा ये गलत है, शुद्ध है खूंटा, खूंटा, क्योंकि ये यदि आप ऐसे लिखोगे तो इसका उच्चारण होगा खूंटा, ये खूंटा है, ये खूंटा नहीं है, ये खूंटा, खूंटा, क्योंकि ये गलत है। इसके साथ में हमें अनुनासिक का प्रयोग करना चाहिए। पूंछ, पूंछ जो है पुच्छ शब्द था संस्कृत में, पुच्छ 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 विषाण की ना, पुच्छ का पूंछ बन जाता है, पुच्छ तत्सम है, पूंछ उसका तद्भव है। मांड, कांटा, बांधना, कांपना, सांप, आंख, ऊंट, आंख को ऐसे नहीं लिखें। अरे इससे आगे आप मां को ऐसे लिखते हो तो मां वाली फीलिंग कहां आती है, वो भाव कहां आते हैं, मां को तो हृदय से बोलिए मां। तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि जहां पर जो चीजें जिस रूप में आती हैं हमें उसी रूप में उसका महात्म्य रक्षित करना चाहिए। ऊंट है, अंधेरा है, अंधेरा, अंधेरा, देखो ये अंध, अंध, ये इसका अलग उच्चारण, ये अध, अंध, तो इसका अनुस्वार लगने से उस वर्ण जो है वो गुरु हो जाता है छंद शास्त्र में। अभी का विषय नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, ये अंध, अंध, ये अंधेरा है, ये अंधेरा नहीं, अंधेरा, अंधेरा, तो ऐसे हमें ध्यान रखना चाहिए। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं बता चुका हूं, बता करके आया हूं, देखिए क्या है कि यदि शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर यदि वर्तनी हो, वर्तनी हो तो चंद्र बिंदु अर्थात ये जो चांदमामा है के स्थान पर केवल बिंदु लगाया जाएगा। जैसे मैंने आपको, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, जैसे गेंद है, अब गेंद में आपने पूछे कि भाई साहब ये तो अनुस्वार है, अनुस्वार फिर तो तत्सम आपने बताया, लेकिन ये ध्यान रखना मैंने अभी आपको आरंभ में कहा था कि अनुनासिक बिंदु रूप में भी प्रयुक्त होता है। कहां पर? जहां किसी वर्ण के शिरोरेखा के ऊपर वर्तनी, जिसे आप मात्रा कहते हैं, तो फिर वो, क्योंकि गेंद को अब ये इस तरह से लिखोगे तो ये अजीब सा लगेगा, इसलिए गेंद को सीधा सीधा इस तरह से, यहां पर अनुस्वार दिख रहा है आपको, लेकिन वस्तुतः ये यहां इस गेंद में आया हुआ जो अनुस्वार है, बिंदु जो है, ये अनुनासिक का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अनुनासिक ही माना जाएगा। तो गेंद है, भैंस है, गौम है, 34 नहीं होता है, 34, ये 34 में भले ही बिंदु दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन साथियों ये चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि इस तरह से बड़ा अजीब सा जो है ये हो जाता, इस तरह से ध्यान रखो। तो ये था गौन था 34। इसी प्रकार एक कुछ लोग मैं लिख देते हैं, मैं लिख देते हैं, जैसे मछली तालाब में, अरे भाई मैं तो कुछ होता ही नहीं, मैं देखो मैं, ये क्या है मैं, ये क्या है मैं, ये मैं और मैं, इसी प्रकार यहां पर मैं, ये तो अधिकरण का चिन्ह है, और ये मैं स्वयं निज के लिए कहते हैं, स्वयं में भी क्या करते हैं, आ गया तो बता देता हूं, स्वयं है। अब स्वयं में हम क्या करते हैं, ये लिखा और कहीं भी अनुस्वार टिका देते हैं, कुछ लोग यहां, कुछ लोग यहां, कुछ लोग यहां, कुछ लोग यहां। पहले एक तो ये ध्यान रखना कि स्वयं में अनुस्वार यहां पर नहीं आता है, ये ध्यान रखें, स्वयं का अनुस्वार स्वयं है, एवं है, परम है, इनमें सब में ये म के स्थान पर आया हुआ अनुस्वार है। ये वस्तु का क्या था, परम था, परम में ये जो म था इसका अनुस्वार बन गया, स्वयं था म का अनुस्वार बन गया, एवं था म का अनुस्वार बन गया, तो स्वयं है, परम है, अकिं, अकिंचन जो शब्द हम लिखते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे शब्द हैं, अनंत जाल है साथियों। आगे मैंने देखो मैं ईंट, ईंट, तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ईंट में आपको दिखाई तो अनुस्वार दे रहा है लेकिन वास्तव में वो अनुनासिक है। एक ये ध्यान रखो, गई है तो एक वचन है, और गई, गई लड़की, गई गई लड़की, गई और लड़कियां, लड़कियां गई, तो गई एक वचन, गई लड़कियां, गई नहीं होता, लड़कियां गई, तो बोलना भी हमें गई चाहिए, गई नहीं है, तो ऐसे ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार है और है एक वचन है बहुवचन है, ये आगे जो लगता है ना अव्यय में, ज्यों क्यों क्यों, यहां पर ये आपको अनुस्वार दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तव में ये अनुनासिक है, क्योंकि शिरोरेखा के ऊपर जब वर्तनी आ जाती है तो अनुनासिक का लेखन ही अनुस्वार की भांति होने लग जाता है। चलिए साथियों आगे हम बात करते हैं,
अब देखो जैसे मैंने कहा जो इसी प्रकार मां बता चुका हूं, एक हूं को इस तरह से लिख देते हैं, ये गलत है, ये हूं ऐसे होगा, हूं ये हूं है, हूं तो मुख और नासिका दोनों से बोला जाएगा, हूं नहीं है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपने लिखा जहां, तो ये जहां हिंदी का अव्यय है, लेकिन ये जहां सारे जहां से अच्छा, तो ये जहां जो है वो संसार है भाई। तो आपको इन छोटी छोटी चीजों से ध्यान रखना। मांगे मांगों को लोग ऐसे लिखते थे मांगे, अरे नहीं मांगे मांगे, तो ऐसी इसी प्रकार जैसे एक शब्द है कुछ लोग करेंगे करे करेंगे करेंगे और कुछ लोग करेंगे करेंगे, दोनों लिख देते हैं नहीं। देखो एक प्रत्यय है एगे और एक प्रत्यय एंगे, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि करेंगे चलेंगे चलेंगे बैठेंगे एंगे है एंगे, और क्योंकि ये है तो अनुस्वार अनुनासिक ही, लेकिन क्योंकि ये वर्तनी लग जाती है तो बैठेंगे बैठेंगे। और क्योंकि आप देखो आप ऐसे जैसे मैंने कहा करे करे करे, ये करे है, ये क्या है बोलो करे करे करे, दोनों में कितना अंतर हो गया। ये सामान्य सी बातें थी, ये वस्तुतः तो थर्ड फोर्थ क्लास में तीसरी और चौथी कक्षा में पढ़ने योग्य बातें हैं, लेकिन मैं जानता हूं विद्यार्थी उस वक्त पढ़ा करता है जब उसे परीक्षा देनी होती है, बाकी तो जो है आप जानते हैं क्या करना होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें इसी प्रकार एक जैसे मैंने कहा उन्होंने, ये एनसी में पूछा गया, देखो दो नंबर की बात है, अरे उन्होंने हो पे आएगा, उन्होंने किन्होंने होने जिन्होंने जिन्होंने, यहां पर ओ ओ ने कुछ लोग यहां लगा देते, कुछ लोग दोनों जगह लगा देते, ये गलत है, ये ध्यान उन्होंने जिन्होंने किन्होंने, तो ये यदि आप उच्चारण ठीक रखोगे तो लेखन भी ठीक होगा, मेरा ऐसा मानना है। बहुत सारे लोग जैसे मैंने कहा सुंगना, ये सुंगना गलत है, सुंगना सुंगना, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। खैर चलिए ये मांगे इस तरह से आपको लिखना है, आगे से ऐसे ध्यान रखिएगा। साथियों जहां पर भी शिरोरेखा नहीं हो, शिरोरेखा के ऊपर वर्तनी नहीं हो, वहां पर आप चंद्र बिंदु का प्रयोग करें। एक महत्वपूर्ण बात जो मानक निदेशालय द्वारा ही प्रकाशित है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, उसी का नियम है, मैंने लिखा है संस्कृत शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग य से ह तक पहले की तरह ही रहेगा। एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि म का योग ह य से लेकर के म का योग, ये ध्यान रखो म का योग य व र ल श श स और ह से होता है, तो म का हमेशा ही अनुस्वार बनता है। जैसे मैंने बताया ना आपको कंगन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, हालांकि एक रूपता के लिए ये वाला मान लिया है। चंदन को आप ऐसे भी लिखते थे और चंदन को आप एक रूपता में ऐसा मान लिया, लेकिन आपको संयम शब्द को ऐसे ही लिख सकते हो, ये संयम गलत है, ये गलत है, क्योंकि यह आ रहा है संयम है, संसार है, संरक्षक संरक्षक है, संविधान है, संविधान है, सहार है, सहार है, संशय है, ये जितने भी शब्द है इसमें क्योंकि य से हे तक कोई भी वर्ण हो तो वो यहां पर संयोग संरक्षण, यहां पर दूसरा कोई तरीका है संलग्न संसार अंश अंश कंस सिंह, तो ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए कि य व र ल ये जो आठ वर्ण है इनके साथ तो सदैव अनुस्वार ही होता है, कभी नासिक के रूप में नहीं आ सकता, नीचे दूसरा कोई वैकल्पिक लेखन नहीं होना चाहिए। मैं इसको मिटा रहा हूं, एक पॉइंट हमारा एक और रह गया है, क्या है देखिए, चलिए चलिए साथियों मैं एक लास्ट इसमें, यदि पंचमाक्षर के बाद अन्य वर्ण का पंचमाक्षर हो तो अनुस्वार नहीं बनेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कैसे, जैसे मैंने लिखा वांगमय, आप लोग जानते हो कि इसका संधिविच्छेद होता है वाक और मय, अब ये क ङ बन गया तो ये पांचवा है, ये भी पांचवा है, तो वांगमय को आप ऐसे नहीं लिख सकते, अनुस्वार नहीं बन सकता, यहां पर ये ध्यान रखना चाहिए दोनों नीचे आएंगे, वांगमय वांगमय। इसी प्रकार चिन्मय, संधिविच्छेद होता है चित और मय, चित का त जो है उसका न बन जाता है, तो चिन्मय, आप चिन्मय को ऐसा नहीं लिख सकते, चिन्मय अनुस्वार नहीं बना सकते। सत और मित्र, सत और मित्र,
तो यहां पर क्या बनेगा बोलो, सन्न मित्र। तो यहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते, जब एक वर्ण में दो भिन्न भिन्न पंचम वर्णों का प्रयोग हो जाए तो वहां पर अनुस्वार नहीं बनाना चाहिए। उन्मुख है, उद और मुख से उन्मुख बनता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें जाननी चाहिए, यदि ये पंचमाक्षर द्वित्व रूप में आ जाए तो उनका कभी भी अनुस्वार नहीं होता। ये ध्यान रखो, सम्मेलन को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। सम्मेलन में दो न आ रहा है, उन्नयन में दो न है, अन है, सम्मिलित है, ये जितने भी शब्द हैं, उन्मुख है, अन है, तो यहां पर डबल नहीं लिखना पड़ेगा, उन्नयन में डबल नहीं होगा। सम्मेलन, सम्मिलित, सम्मति, सम्मति ऐसा ही लिख सकते हो, सम्मति ऐसा नहीं लिख सकते। यदि वर्ण द्वित्व रूप में दो बार यदि इसका प्रयोग हो रहा है तो वहां पर हमें किसी प्रकार का कोई जो है अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब कुछ चीजें हैं जिनको मैं लिख रहा हूं, देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों के पास ये पुस्तक हिंदी व्याकरण वाला मेरी होगी, आप लोग इसमें देखिएगा। जैसे मैंने कहा, एक तो जैसे कुछ शब्द हैं जिनको मैं शुद्ध रूप आपके सामने लिख रहा हूं, गंवार लिखें, गंवार नहीं लिखें, ये ध्यान रखिएगा। इन सभी शब्दों में जो अब लिख रहा हूं इसमें अनुनासिक का प्रयोग होगा, गंवार है। इसी प्रकार चांटा नहीं होता, चांटा नहीं होता, चांटा नहीं, चांटा लिखें, ये ध्यान रखिएगा। कांटा नहीं होता, ये गलत होंगे, कांटा ही इसका शुद्ध होगा, तो इसी तरह से ध्यान रखें। अब आगे केवल शुद्ध रूप लिखता हूं, पहुंचा में, पहुंचा में अनुस्वार नहीं लिखें, अनुनासिक लिखें, पहुंचा है। इसी प्रकार मैंने कहा वहां है, आप कृपा करके आज के बाद में जहां है, कहां है, ये वहां, जहां, कहां जितने भी हैं इनमें आपको इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार ऊंट, कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं, ये गलत है, ऊंट मत बनिए, मनुष्य रहिए, ऊंट लिखें, ऊंट। तो आपको इनका आप स्क्रीन शॉट लेते जाएं, ये शुद्ध शुद्ध जहां पर भी है मैं आपको कुछ लिखा रहा हूं। इन शब्दों में सदैव अनुनासिक का प्रयोग करें, कहानियां है। इसी प्रकार फांसी इस प्रकार से लिखें, अनुस्वार का प्रयोग यहां पर नहीं करें, फांसी लिखें। इसी प्रकार गायिकाएं लिखें, गायिकाएं, अनुनासिक का ही प्रयोग यहां पर आपको करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें जो फटाफट आप लिखिएगा इस कक्षा में, मात्राएं शब्द का प्रयोग करें, मात्राएं यहां पर अनुनासिक का प्रयोग होगा। इसी प्रकार भांपना नहीं होता, भांपना गलत है, भांपना अनुनासिक का प्रयोग करें, पहुंच हो गया। भांति नहीं होता, भांति का प्रयोग करें, हाँ ये भी ध्यान रखें भ्रांति में भ्रांति होगा क्योंकि ये संस्कृत का है तत्सम है और ये भांति है तो भांति भांति के लोग। इसी प्रकार आपको जैसे मैंने कहा एक जैसे हम लोग कहते हैं करूंगा, करूंगा ये गलत है, शब्द होता है करूंगा, करूंगा, करूंगा नहीं होता, करूंगा। इसी प्रकार हम लिखते हैं आऊंगा, ये गलत है, इस प्रकार आऊंगा लिखें। चलूंगा नहीं लिखें आज के बाद में, चलूंगा लिखें। इस कक्षा का ये महत्व यदि आपने सीखा और आज के बाद में अपने जीवन में इन शब्दों का यदि शोधन किया तो ये मेरी जो साधना है ये निश्चित रूप से फलित होने वाली है। इनका कोई शुल्क नहीं है साथियों, मेरे मन में मेरा स्वप्न है मेरा साथी मेरा युवा वर्ग सदैव आगे बढ़े और गलतियां कम से कम। जैसे मैंने कहा कि बनाऊंगा घर, बनाऊंगा ये गलत है, बनाऊंगा इस प्रकार से आप लिखें, बनाऊंगा। इसी प्रकार खाऊंगा, खाऊंगा इस प्रकार से आप लिखें, खाऊंगा, उंगा, उंगा प्रत्यय में सब में उंगा 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 उंगा, ये रू बड़ा है करूंगा, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार कुछ लोग लिख देते हैं जैसे रितुएं, रितुएं गलत है, रितुएं इस तरह से आपको लिखना है। और कंटीला को ऐसे लिख देते हैं कंटीला, ये वस्तु तक कंटीला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आम गांव ये बता चुका हूं दांत। इसी प्रकार एक शब्द है चूंकी, चूंकी ये शुद्ध है, ये ध्यान रखिएगा, इसका और कोई विधान दो लिखने का जो है वो नहीं है, चूंकी होगा। इसी प्रकार मुंडना, मुंडना शिर, मुंडना, मुंडना शब्द का प्रयोग इस प्रकार से आप करें, भाषाएं, भाषाएं, तो ऐसे आपको ये अनुनासिक का प्रयोग इसमें करना चाहिए। इसी प्रकार मैंने कहा कि मेरा मित्र मुझे देख करके हंसा, 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 हंसा नहीं, हंसा, हंसा, ये हंसा है, ये हंसा है, हंसा, हंसा, तो यहां पर ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें
अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए, अनुनासिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन से शब्द हैं जिनमें अनुस्वार का प्रयोग आपको करना चाहिए, चलिए फटाफट मेरे साथ आप लिखिएगा। आनंद में आपको इस प्रकार से लिखना है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बीच में बता देता हूं, लोग गांधी जी को सजा करके लिखाते हैं, गांधी लिख देते हैं, ये गलत है। शुद्ध शब्द गांधी है, क्योंकि ये मूल शब्द गंदिन था और गंदिन से जो गांधी जो है उसका प्रथमा का एक वचन है, तो गांधी तत्सम शब्द है, ये आपको ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन आंधी में आपको ऐसे लिखना है, आंधी, आंधी की तरह गांधी को सजाइए मत, ये अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से कुछ लोग इस प्रकार लिख देते हैं, दाया बाया, ये गलत है। अरे भाई, दा पर नहीं आएगा, दाया दाया, इसी प्रकार बाया, तो दाया बाया। कुछ लोग इसी प्रकार इसका बहुवचन हो जाएगा, दाएं बाएं, इस प्रकार से। तो हमें ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन क्यों भ्रांति हो गई, क्योंकि हमने लिखने पर ध्यान नहीं दिया। आपने हजारों बार ये चीजें देखी होगी, पुस्तकों में देखी होगी, आपने आपकी आंखों ने उसको पढ़ी भी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते। चलिए, अनुस्वार कहां कहां पर आएगा उसकी हम बात कर रहे हैं। इसी प्रकार तांत्रिक, तांत्रिक ता, 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 अनुस्वार आएगा, क्योंकि तंत्र से बना है और तंत्र शब्द जो है वह तत्सम है, तो जितने भी तत्सम शब्द होंगे सब के साथ अनुस्वार का प्रयोग होगा, अनुनासिक का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार संस्कृत, कुछ लोग संस्कृत के ऊपर भी चंद्रबिंदु लगा देते हैं, जहां पर नहीं होता है वहां पर लगाने का आनंद ही कुछ और है, जहां पर होता है वहां पर हम लगाते नहीं है। इसी प्रकार कुछ लोग रंग लिख देते हैं, ये रंग गलत है। अरे भाई, रंग है, ये संज्ञा है। हाँ, आप ध्यान रखना, जब हम कहते हैं कि कुसुमल रंग से रंगना, रंगना लाल रंग से रंग देना, तो ये रंगना, ये वाला रंगना जो है वो हिंदी की क्रिया है, लेकिन ये रंग जो है वो संज्ञा है, और ये जो रंग है वो रंग जो है उस पर अनुस्वार का प्रयोग होगा, रंगना पर जो है अनुनासिक का प्रयोग होगा, ऐसा भी ध्यान रखें। इसी प्रकार ये आपकी संज्ञा रही, संज्ञा, संज्ञा आप इसको संज्ञा बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर संज्ञा। और गंगा शब्द बता चुका हूं मैं आपको, मंडल शब्द इस प्रकार से लिखें, मंडल अनुस्वार का प्रयोग होगा। जैसे मैंने कहा राजतंत्र, तो तंत्र पे तो हमेशा अनुस्वार, राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, कोई भी तंत्र हो, तंत्र में यही आएगा। आपको यह भी ध्यान रखना है, मैंने आपको एक शब्द बताया होगा अंगना, ये अंगना स्त्री है और ये अंगना आंगन है, तो अर्थ भेद भी वहां पर, जैसे हंस और हंस वाली जो बात थी उसे यहां पर। इसी प्रकार कुछ लोग साय लिख देते हैं, ये गलत है साथियों, ये संस्कृत का शब्द है, सायम शब्द था और सायम शब्द में म का प्रतिनिधित्व करता है अनुस्वार, तो शब्द बनता है सायम, सायम इसका उच्चारण भी आपको इसी तरह से करना है। इसी प्रकार से शब्द होता है आंशिक, आंशिक में अनुस्वार का प्रयोग करें। और चंद्रिका, चंद्रिका में आप चंद्रबिंदु मत लगा देना, चंद्रमा में मत लगाना। अरे चंद्रमा संस्कृत का शब्द है, तत्सम जिसे हम कहते हैं, तो चंद्रमा ये गलत है, ये चंद्रमा गलत है, ये चंद्र गलत है, देखो। लेकिन चांद ठीक है, ये गलत, ये गलत, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये ठीक है। चांद को यदि आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार जैसे हमने कहा अपभ्रंश, तो अपभ्रंश को आपको ऐसे ही लिखना है, अनुनासिक का प्रयोग वहां पर आपको नहीं करना है। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण, एक दिनांक शब्द को दिन और अंक से बनता है, तो अनुस्वार का प्रयोग होगा दिनांक में। इसी प्रकार मंत्री है, जंत्री है, इस प्रकार इन शब्दों में भी ये प्रयोग होगा, ये इस तरह से ध्यान रखें। एक अंक जो संख्या वाला अंक है, इसमें भी अंक का प्रयोग होगा। अंधा शब्द है, तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो शब्द थे उनके बारे में आज हमने बात करी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है, मुझे लगता है हर हिंदी के उपासक को, हर हिंदी के प्रेमी को इस कक्षा को ध्यान से सुनना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए और दैनंदिन जीवन में इनका प्रयोग करना चाहिए। आगे की कक्षा में, आज की कक्षा इतनी होगी, आगे की कक्षा में कुछ हमारी शब्द शुद्धि से संबंधित कुछ चीजें रह गई हैं, उन चीजों को हम करने वाले हैं। बहुत आनंद के साथ आप लोग पढ़िए, मेरी खूब शुभकामनाएं, और जो कुछ भी पढ़ते हो उसको आप जरूर जो है अपने साथियों के साथ शेयर करें, अपने साथियों के साथ उसको बांटें, क्योंकि कहते हैं अपूर्व कोशो विद्यते तव भारती, हे महाभारती तेरा ये जो कोश है ये अपूर्व है, व्यय तो वृद्धि मायाति, इसका जितना व्यय करोगे वृद्धि को प्राप्त होगा, क्षयम मायाति संचयात,
और यदि कोई उसको संचय करके रखेगा वो क्षयम माया की क्षीण हो जाता है। मां सरस्वती का खजाना ही एकमात्र ऐसा है। खूब बांटिए मन से बांटिए और निस्वार्थ भाव से बांटिए। मेरी खूब खूब शुभकामनाएं, सब आनंद में रहें।